इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली वायरल शादी किस किस ने सुनी अभी तक। अगर आपको नहीं ना पता तो मैं हूं ना बताने के लिए, बस टेंशन नहीं लेनी। लो जी, सीन शीन ऐसा था, मोटी मोटी स्टोरी सुनाऊंगी। एक लड़की जो कि डॉक्टर बन रही थी, उसकी किसी अमीर खबीज घराने के अंदर शादी हो जाती है। ओह माय गॉड, रिच पीपल, रिच गाइस, उनके पास फॉर्च्यूनर एंड लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां थी। बकौल उस लड़की के, वो बहुत ज्यादा रिच थे, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, उनके पास लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर थी, उनका घर बहुत बड़ा था, विला टाइप था, दिस एंड दैट। अपना नहीं लोग बताते, लोग दूसरों का बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। यार आप लोग बाजी अपना भी तो बताओ ना, आप लोगों ने लालच किया, आप लोगों ने उनकी गाड़ियां देखी, उनका घर देखा, आप लोगों ने उनका पैसा देखा, आप लोगों ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस देखा, बल्कि वो भी आपने सही से नहीं देखा, जो आपको दिखाया गया आपने जस्ट वही देखा। फिर आप लोगों ने ना सज्जे देखा ना खब्बे देखा, डायरेक्ट ब्याह किया। यार यू नो व्हाट, आई एम अ छोटा पीस ऑफ माय फैमिली, बट ये बातें तो मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। जब रिश्ते वगैरह आते हैं तो आप लोगों को सर्च करनी पड़ती है, आप लोगों को एक दफा बीबीसी न्यूज बनना पड़ता है, आप लोगों को एक दफा ISI बनना पड़ता है, फिर ही जाकर यार शादियां होती है। ऑब्वियसली आप लोगों की खुद की गलती है। ओ अगली स्टोरी तो सुनो। फिर बाजी ने बताया कि बाजी जी एक दफा उनके घर का सर्वे वगैरह कर रही थी, वो लोग अक्सर गाड़ी में बैठ के गायब हो जाते थे। एक दिन वो लोग घर में नहीं थे तो बाजी बेसमेंट में गई। जब बाजी बेसमेंट में गई तो बाजी ने नीचे देखे कॉस्ट्यूम्स जो के मांगने वालों के थे। भाई मैं क्या सोची थी ऐसा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सामना शुरू करें, यार कल आप टाइम से आ जाना रातों रात फॉर्च्यूनर लैंड क्रूजर। भाई मेरे लिए तो सब कुछ बहुत ज्यादा फनी साउंड कर रहा है। वैसे मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। एक दफा आप लोगों ने इधर उधर देखे बगैर शादी कर ली, और दूसरा आपके इन लॉज इधर उधर जा रहे हैं और आप उनसे पूछ भी नहीं रही कि तुसे सारे किथे मर रहे हो, किथे चल रहे हो, मेनू भी नाल लै जाओ। ये जो स्टोरी क्रिएट की गई है ना, ये एकता कपूर को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मुझे तो कोई स्टार प्लस की स्टोरी लग रही है, ससुराल सिमर का कोई नया एपिसोड लग रहा है। देखिए भैया आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे। जब आपके घर वाले कहीं जाते हैं तो क्या आप लोग उनसे पूछते नहीं हैं आप लोग कहाँ पे जा रहे हो? क्या आप लोग उनको ये नहीं कहते कि हमें साथ लेके जाओ? अजीब यार अजीब, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा है। ये दुनिया के कांड कहाँ से कहाँ ये हमारी दुनिया जाती जा रही है।